रैंक को लेके बहुत खुश था और उम्मीद भी था कि बहुत अच्छा रैंक आने वाला है, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि फर्स्ट रैंक ही आ जाए। आगे क्या करना है फिर आपको? माता पिताजी का कितना सहयोग रहा? सबसे बड़ा तो उन्हीं का सहयोग रहता है ना, मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो जिस घड़ी का इंतजार छात्रों को कई दिनों से था वो घड़ी अब आ गई है और बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो इसी में जो साइंस टॉपर है यहाँ आयुषी नंदन, उन्होंने बाजी मारी है और आयुषी नंदन को 474 अंक मिले हैं। वहीं अगर परसेंटेज की बात करें तो 94.8% उनका आया है। इसके बाद हमारे स्थानीय संवाददाता ने आयुषी से बातचीत की है, इसके बाद आयुषी का क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, तो पहले तो रैंक को लेके बहुत खुश था और उम्मीद भी था कि बहुत अच्छा रैंक आने वाला, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि फर्स्ट रैंक ही आ जाएगा। पता चला कि फर्स्ट रैंक जब पता चला कि फर्स्ट बात करते हैं रखिए तो बहुत खुशी हुआ। वो मेरे मन पे डिपेंड करता था, लेकिन अगर देखा जाए तो मिनिमम 8-9 घंटे तो पढ़ना ही है। कितना मार्क्स आया? मार्क्स तो अभी तक हमको भी पता नहीं चला कितना मार्क्स। पापा कितना? 476 है। 476 है, पिछले बार 474 है। तैयारी कैसे करते थे, घर पे या कोचिंग या कॉलेज जाकर? कोचिंग भी करते थे और घर पे भी पढ़ते, स्कूल वगैरह नहीं जाते थे। क्लास के बाद सेल्फ स्टडी दिन रात करना था। स्कूल क्यों नहीं जाते थे, वहाँ क्या नहीं था उसका सुविधा पढ़ाई का? नहीं, वो थोड़ा दूर भी पड़ता था ना, तो कंफर्टेबल हम नहीं थे। स्कूल भी करना, फिर इंस्टीट्यूट भी जाना, सेल्फ स्टडी भी करना, तो वो मैनेज नहीं हो पाता। आगे क्या करना है फिर आपको? आगे IAS ऑफिसर बनना। क्या नाम होगा? आयुषी नंदन। पापा? सर्वेश कुमार। पापा क्या करते हैं? पापा मीटिंग में पिछले बार क्या रैंक था? पिछले बार पूरे बिहार में, पूरे बिहार में 9th रैंक। सबसे बड़ा खुशी तो ये 9th से फर्स्ट आना बहुत बड़ा खुशी होता है। और लोगों का संदेश और लोगों को सक्सेस के लिए ये सब छोड़ दीजिए, मेरा लोगों नहीं पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और खुद में बिलीव रखना, ये नहीं कि बिलीव हार जाए। तो उस टाइम मेरे साथ भी ये था कि हम जब जनवरी का टाइम आया तो खुद में से बिलीव हटने लगा था, लेकिन टीचर जो थे, सर जो थे मेरे, तो वो बहुत सपोर्ट किए, बीच बीच में कॉल करके कि करना है तुमको, टॉप करना है। माता पिताजी का कितना सहयोग रहा? सबसे बड़ा तो उन्हीं का सहयोग रहता है ना, मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे। बोलू जी, देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।